नमस्कार। शॉपिंग की दुनिया में अमेज़न को विश्व भर में प्रसिद्ध करने वाले जेफ बेजोस अब इस कंपनी को अलविदा कहना चाहते हैं और अमेज़न कंपनी से इस्तीफा देने के लिए उन्होंने 5 जुलाई की तारीख तय की है। मतलब 5 जुलाई से जेफ बेजोस अमेज़न के सीईओ नहीं रहेंगे। हालांकि अब वो एक नई शुरुआत करेंगे, साथ साथ इस कंपनी में अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे। अब अमेज़न के सीईओ की भूमिका में कौन होंगे ये भी तय कर दिया गया है और इसके लिए एंडी जेसी को चुना गया है। एंडी जेसी अभी अमेज़न के बिजनेस को देख रही हैं, लेकिन अब उन्हें कंपनी के सीईओ पद की जिम्मेदारी मिली है। जेफ बेजोस करीब 30 साल तक अमेज़न कंपनी के सीईओ के पद पर रहे और अब एक भूमिका में वो खुद को तैयार बता रहे हैं। हालांकि जब कभी भी वो अमेज़न की शुरुआत को लेकर बात करते हैं तो ये बताते हैं कि ये सब कुछ आसान नहीं था। एक मामूली ऑनलाइन बुक सेलर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली ई कॉमर्स कंपनी के रूप में स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को पार करते हुए उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में जेफ बेजोस ने कहा था, मैं अपने बाकी काम पर ज्यादा फोकस करना चाहता हूं और बाकी कामों पर फोकस करने के लिए अमेज़न के सीईओ के पद से इस्तीफा दूंगा। अब सवाल यह है कि वो कौन सा काम है जिसके लिए बेजोस ने अमेज़न के सीईओ पद को छोड़ दिया है। तो आपको बता दें कि उनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस का नया प्यार है और वो इसी सेक्टर में अब खुद को फोकस कर रही है, जो स्पेस फ्लाइट के मिशन पर काम करेगा। खबर है कि ब्लू ओरिजिन की इसी महीने संचालित होने वाली पहली स्पेस फ्लाइट में सवार होंगे वो। कहा जा रहा है इस यात्रा में टेक्सास से अंतरिक्ष की छोटी यात्रा होगी। कुछ दिन पहले बेजोस ने इंस्टाग्राम पर कहा था कि धरती को अंतरिक्ष से देखना आपको बदल देता है, इस ग्रह से आपके रिश्ते को बदल देता है। मैं इस उड़ान में सवार होना चाहता हूं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा से ही अपने जीवन में करना चाहता था। ये एक रोमांच का नाम है। जेफ बेजोस अभी 57 साल के हैं और साल 1994 में उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी, जो आज की तारीख में दुनिया में काफी प्रसिद्ध है और लोग इस कंपनी के सहारे काफी खरीदारी करते हैं। अभी भी जेफ बेजोस जब लोगों से रूबरू होते हैं तो अपने शुरुआती दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कैसे उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत एक गैराज से की थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद ही अपना ऑर्डर पैक किया था और पोस्ट ऑफिस तक लेकर गए थे। आज अमेज़न का बाजार मूल्य 1.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। फिलहाल जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स की सूची में सबसे ऊपर है। फिलहाल जेफ बेजोस को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।